13.8 बिलियन ईयर्स पहले अल्लाह ने यूनिवर्स बनाया। इस यूनिवर्स की क्रिएशन को साइंस ने द बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी के मुताबिक पहले कायनात एक साथ एक ऑब्जेक्ट की तरह जुड़ी हुई, फिर उसमें एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के नतीजे में सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, स्टार्स सारे वजूद में आते हैं। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से प्लैनेट अर्थ में लाइफ स्टार्ट होती है। तब से लेके दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने तक जो भी वाकयात हुए वो हमारे लिए इररिलेवेंट। तो बेसिकली लाइफ की हमारे लिए कहानी शुरू होती है 3 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के जमीन पे उतारे जाने से। उनमें है सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा है बीबी हवा और तीसरा है इब्लीस। रियलिटी ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया उसी वक्त शैतान भी वजूद में आया, क्योंकि उससे पहले शैतान एक बहुत ही नेक और बुजुर्ग जिन था जिसका नाम अजाजील था। तो समझने की बात यह है कि जितना हम इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, इब्लीस की भी उतनी ही फिजिकल प्रेजेंस है, लिहाजा मारा और शैतान का क्लैश। मैं आपको ब्रीफली हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के लाइफ इवेंट्स के बारे में बताता हूँ और ये देखते हैं कि हमें उसे क्या लेसन्स मिले। आज से 10 से 12 हजार साल पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की एक पहाड़ी पे उतारा, जिसे आजकल द माउंटेन ऑफ एडम भी कहा जाता है, और ठीक उसी वक्त बीबी हवा को आजकल के सऊदी अरब के इलाके जद्दा के आसपास उतारा गया। कहा यह जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 40 मीटर थी, यानी 300 फुट से भी ज्यादा। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा से मक्का के इलाके में मिले और इनको 40 दिन लगे श्रीलंका से मक्का पहुंचने तक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ की सबसे सबक आमोज कहानी ये है कि इनके दो पेयर्स ऑफ ट्विंस, हाबील और उसकी ट्विन सिस्टर लबुदा और काबील और उसकी ट्विन सिस्टर इकलिमा। लाइफ के साइकिल को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हाबील ने काबील की ट्विन सिस्टर इकलिमा से शादी करनी है और काबील ने हाबील की ट्विन सिस्टर लबुदा से शादी करनी है। काबील को ये बात मंजूर ना थी, क्योंकि वो भी हाबील की ट्विन सिस्टर के बजाय अपनी ट्विन सिस्टर से शादी करना चाहता था, और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए काबील ने अपने सगे भाई हाबील को जान से मार दिया, और वो था इस दुनिया का सबसे पहला क्रिमिनल एक्ट। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी से हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। दूसरा ये कि अगर माँ बाप नेक हो तो ये कोई गारंटी नहीं कि औलाद भी नेक ही हो, चाहे वो पैगंबर की औलाद ही क्यों ना। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से सिर्फ लॉस और डिस्ट्रक्शन ही होती है, जैसे काबील अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए कत्ल जैसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ।